छतरपुर शहर के सागर रोड पर स्थित गजराज मैरिज हाउस के समीप खुलेआम बीच सड़क पर 4 मार्च को की गई बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने अब उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से 2 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने वारदात के दिन महेंद्र गुप्ता को गोली मारी थी। पकड़े गए आरोपियों के नाम धर्मेंद्र जाटव और सचिन जाटव हैं, जिनकी उम्र 22 साल और 20 साल है। पुलिस ने उन्हें मथुरा से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। उल्लेखनीय है कि अब तक इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गौरतलब है कि ईशानगर के पूर्व सरपंच और बसपा नेता महेंद्र गुप्ता को 4 मार्च की रात करीब 9 बजे उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया था जब वे छतरपुर के सागर रोड पर स्थित गजराज मैरिज हाउस में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे थे। उन्हें सागर रोड हाईवे पर ही सिर में गोली मारी गई थी क्योंकि वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे। महेंद्र गुप्ता की हत्या का मास्टरमाइंड ग्राम सिगौन का निवासी रानू राजा है, जो कि अब भी फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रानू राजा के पिता प्रतिपाल सिंह और महेंद्र गुप्ता के बीच लगभग 40 सालों से रंजिश चली आ रही थी, जिसके तहत अब तक 3 कत्ल हो चुके हैं। इसी रंजिश के तहत महेंद्र गुप्ता को भी मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल में बंद प्रतिपाल सिंह को भी आरोपी बनाया है। उसके भाई गोविंद सिंह और एक महिला सहित आकाश सक्सेना नाम का एक शातिर बदमाश भी पूर्व में पकड़ा जा चुका है। इस मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि हत्या के मास्टरमाइंड रानू राजा का गिरफ्तार होना अब भी बाकी है। पुलिस रानू राजा पर दबाव बनाने के लिए उसके अवैध संपत्तियों को भी खंगाल रही है ताकि उसके विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई भी की जा सके। सिविल लाइन टीआई वाल्मीकि चौबे ने शनिवार को थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। टीआई वाल्मीकि चौबे ने बताया कि पकड़े गए शूटर धर्मेंद्र जाटव और सचिन जाटव शातिर सुपारी किलर हैं। पुलिस के हाथ लगे इन कातिलों ने बताया कि उन्हें हत्या के लिए 2-2 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो महिला पूर्व में पकड़ी गई है वो भी हत्या की साजिश में शामिल थी। इसी ने हत्यारों को सटे रोड पर ठहरने में मदद की थी। टीआई ने कहा कि हम मास्टरमाइंड रानू राजा को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। दिनांक 4 मार्च 2024 को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा महेंद्र गुप्ता की हत्या की गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध की विवेचना की गई, अज्ञात हमलावर को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ करके 2 मुख्य जो आरोपी और थे जिसको हायर किया गया था रानू द्वारा 2-2 लाख रुपए के रकम पे, उन 2 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया हमारी टीम द्वारा। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी सर टोटल बनाए गए? टोटल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी आरोपियों का बताया जा रहा है, जिनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रानू राजा के पीछे हम लगे हुए हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। इन आरोपियों द्वारा कुछ क्लू दिए गए हैं जिस पर से जल्द रानू सर को लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर रहा है सर और पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, उस पर लगे हुए हैं हम, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। बड़ा लंबा समय लगा। जी नहीं, जल्दी से जल्द गिरफ्तार होगा। ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, इनके द्वारा कुछ बताया गया है, उससे हम जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे।